How are you? Hope you are good. Today we are going to discuss about your subject maths for class 3rd students. और आज हम लोग पढ़ेंगे एडिशन. आपका फोर्थ चैप्टर है एडिशन. आज हम लोग एडिशन के बारे में पढ़ेंगे. एडिशन आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस चैप्टर्स में. आज आप लोगों को इससे थोड़ा बहुत डिफरेंस बताया जाएगा. जैसे कि आपने पिछले क्लासेस में 3 डिजिट्स के 2 डिजिट्स के एडिशन पढ़े हुए हैं. आज हम लोग कॉलम वाइज कुछ पढ़ेंगे. जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग ये देखते हैं 52 प्लस 23. इस तरह से इस फॉर्म में अगर लिखा होता है एडिशन तो ये जो नंबर, ये जो डिजिट दिए गए हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दो नंबर्स दिए गए हैं उनको ऐड करना है. इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, एडेंस. ठीक है, एडेंस कहते हैं. अब इन दोनों को हम लोग ऐड कैसे करते हैं, तो सिंपली एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर इस तरह से कॉलम वाइज दिया हुआ है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं. 52 हम लोग लिख देंगे इस तरीके से, और अब इसके नीचे जो ये डिजिट दिया हुआ है, जो नंबर दिया हुआ है वो हम लोग लिखेंगे. तो कैसे लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे, नहीं रॉन्ग है. तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले वंस की प्लेस देखते हैं. हम लोग सभी लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर दिया होता है तो हम लोग इधर से पढ़ते हैं. इसमें वंस की प्लेस पहले कौन सी थी, इसकी वंस की प्लेस ये है और इसकी वंस की प्लेस ये है. तो हम लोग वंस की प्लेस को एक साथ रखते हैं, टेंस की प्लेस को एक साथ रखते हैं. ऐसे ही अगर आपके और भी डिजिट और भी नंबर दिए गए हैं 100 में 1000 में तो आप लोगों को वो प्लेस उसकी देखनी होती है, और प्लेस वाइज आप लोगों को प्लेस के अकॉर्डिंग आप लोगों को उसकी सीरियल वाइज लिखना होता है. जैसे कि हमने 52 तो लिख दिया, अब हमको 23 लिखना है. तो 2 हम लोग का वंस है और 23 में 1 कौन सा है, 3. हम लोग 3 इसके नीचे लिख देंगे. और 2 क्या कौन सी प्लेस पे है, टेंस की प्लेस पे है. तो हम लोग 5 के नीचे लिख देंगे क्योंकि 5 हमारा टेंस है. अब इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं. 2 और 3 कितना होगा, 5 और 2 कितना होगा, 7. बस इसी तरह से आपको कॉलम वाइज करना है. आप लोग को अगर समझ में आ जाता है तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो. आप लोग यहाँ से देखते हो कि ये आपके पास की प्लेस है, ये आपके पास की प्लेस है. तो 3 और 2, 2 एंड 3 कितना होगा, 5. तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ कर यहाँ पे 5 लिख लेंगे. ओके, अब हम लोग टेंस के देखेंगे. तो हम लोग का वंस का हो गया, अब हम लोग टेंस देखेंगे. तो यहाँ पे टेंस की प्लेस पे क्या है, 2 और यहाँ पे 5. तो इन दोनों को हम लोग एक साथ ऐड करेंगे. तो 5 और 2 कितना हुआ, 7. तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, 5 किधर लिखेंगे, या इधर, हम लोग इधर लिखेंगे क्योंकि ये आपका वंस की प्लेस पे है और ये हमारा टेंस है. तो टेंस की प्लेस पे हमको लिखना होगा. तो 5 और 2 7, और ये हम लोग का टेंस की प्लेस पे है. ये आपका वंस की प्लेस पे है और ये आपकी टेंस की प्लेस पे है. इसको एक और मेथड से समझने की कोशिश करते हैं. 52 दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है. 52 प्लस 23 इस तरीके से दिया हुआ है. आप लोगों ने 2 डिजिट का एग्जाम्पल देख लिया, अब हम लोग 3 डिजिट का एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे कि जैसे आपने 2 डिजिट का किया है वैसे ही आपको 3 डिजिट का भी करना है. तो पहले हम लोग कॉलम वाइज कर लेते हैं, उसके बाद से आपको हम सीरियल वाइज रख के उसको दिखाते हैं. जैसे कि हम लोग पहले कैसे करना होता है, 1 की प्लेस देखना होता है, 10 की प्लेस देखना होता है, 100 प्लेस देखना होता है. ये आपके 300 नंबर्स तक हैं. ठीक है, तो हम लोग पहले 1 की प्लेस देखेंगे. आपके 1 की प्लेस पे क्या है, 5. सेकेंड नंबर में आपका 5, तो 5 और 5 कितना होता है, 10. तो जिस तरह से आपने 2 डिजिट का देखा है उसी तरह से हम लोग 3 डिजिट का भी करते हैं. अब हम लोग यहाँ पे लिखे हुए जो पॉइंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर को समझते हैं. जैसे कि पहला पॉइंट है एडिंग विदाउट रीलूपिंग. तो आज आप लोग 4 डिजिट्स के पढ़ोगे. आप लोगों ने 2 डिजिट्स के, 3 डिजिट्स के प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिए हैं, अब आप लोगों को 4 डिजिट्स के पढ़ने हैं. तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और उसके साथ में देखते हैं.
आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है 4251 + 1721, हम लोगों को उसको ऐड करना है। तो आप लोगों ने जिस तरीके से 2 digits का 3 digits का किया है, उसी तरह से हम लोग 4 digits का भी करेंगे। हम लोग दोनों मेथड से करेंगे। पहले हम लोग सीरियल वाइज रख के उसको प्लेस वैल्यू की तरह से रख के करते हैं, उसके बाद से कॉलम वाइज करेंगे। तो पहले हम लोग सीरियल वाइज करने के लिए हमको क्या करना है, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखना है। एडम से आप लोग कोई भी ऊपर नीचे लिख सकते हो। तो हम लोग पहले ये डिजिट दिया हुआ है, हम लोग पहले इस नंबर को टाइप करते हैं। अब सेकंड नंबर को हम लोग को इसके नीचे लिखना है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि किसकी प्लेस वैल्यू क्या है। जैसे कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, वंस, तो हम लोग इसमें वंस के नीचे रखेंगे। क्या है यहाँ पे, इसी तरह से टू हम लोग टेंस की प्लेस पे है, यहाँ पे फाइव टेंस की प्लेस पे है। तो हम लोग इन दोनों को आमने सामने राइट करना है। सेवन थर्ड प्लेस पे आपका, थाउजेंड हंड्रेड की प्लेस पे हम लोग को इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर नीचे राइट करना है। 1000 की प्लेस पे अब हम लोग सिंपली इसको ऐड कर सकते हैं, जैसे आप लोग हमेशा करते हैं। 1 1 2, 5 and 2 7, 7 and 2 9, 4 and 1 5, सिंपली आप लोग ऐसे कर सकते हो। अब इसको कॉलम वाइज हम देखते हैं। कॉलम वाइज में पहला ये 1 और ये 1 आपकी 1 के प्लेस पे है। 1 के प्लेस पे हम लोग सिंपली जान रहे हैं कि इसको हम लोग ऐड करेंगे, राइट करेंगे। वंस के प्लेस को हम एक साथ में ऐड करेंगे, तो ये 1 के प्लेस पे 1 है, इस 1 के प्लेस पे 1 है। 1 एंड 1 कितना हुआ, 2। हम लोग यहां से थोड़ा स्पेस छोड़कर राइट करते हैं। अब हम लोगों को 1 के प्लेस का हो गया। अब 10 के प्लेस देखेंगे, इसमें 10 के प्लेस कौन सी है, 5 और 2। तो 5 और 2 को हम लोग ऐड करेंगे, कितना आंसर आएगा, 7। हम लोग को इसके पहले लिखना है क्योंकि ये तो 1 के प्लेस पे हो गया, अब ये 10 के प्लेस पे। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ये 100 के प्लेस पे, 1000 के प्लेस पे, हम लोग को इसके आगे ही राइट करना है। अब एग्जाम्पल हम लोग 100 का देखेंगे। 100 के प्लेस पे क्या है, 2 है, और यहाँ पे 100 के प्लेस पे 7। तो 2 और 7 जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9। आपका 100 के प्लेस तक हो गया, क्लियर। अब आपको 1000 के प्लेस पे देखना, आपने ये तीनों ऐड कर लिया है, इन तीन को ऐड कर लिया, इन तीन को भी ऐड कर लिया। अब आपके पास 1 है और यहाँ पे 4 है, ये 1000 के प्लेस पे। तो हम लोग को यहाँ पे 1000 के प्लेस पे लिखना है। हम लोग यहाँ लिखेंगे 4 एंड 1 कितना हुआ, 5। जब आपने सीरियल वाइज को ऊपर नीचे रख के किया था तो भी आपका आंसर यही है। तो इस तरीके से हम लोग को इस तरह के क्वेश्चन करने होते हैं। ये तो आपका कोई एग्जांपल था एडिंग विदाउट रीग्रुपिंग। अब आप लोग को ग्रुपिंग करना है, एडिंग विद रीग्रुपिंग। आपने प्रीवियस क्लासेस में कैरी करने वाले क्वेश्चंस पढ़े हैं, बस उसी तरीके से इसको भी करना है। यह आपका एक क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है समझाने के लिए, जिसको आपको ये रीग्रुपिंग यानी कैरी करने वाले क्वेश्चंस हैं। हम लोग को उसको कैसे करना है, हम लोग पहले 1 से शुरू करते हैं, 1 की प्लेस से हम लोग ऐड करना शुरू करते हैं। कैसे करते हैं, 9 और 2, 9 और 2 हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 के बाद से हम लोग 2 और काउंट करेंगे, 9 के बाद 10 और 11। 11 जब हम लोग काउंट करेंगे तो 11 को 1 की प्लेस पे जो 1 होता है हम लोग उसको राइट कर देंगे। अब एक 1 हम लोग के पास 11 का बचा हुआ था, उसको हम लोग क्या करेंगे, वो हम सेकेंड जो टेंस की प्लेस पे है उसको दे देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर इस तरीके से राइट करेंगे, क्योंकि ये हमने अब इसको दिया हुआ है कि ये अपने पास ऐड करें और आगे ऐड करते हैं। तो हम लोग जब टेंस की प्लेस पे आएंगे तो 1 और 5 कितने हुए, 5 1 1 6। अरे ये जो आपका कैरी करने के लिए आया हुआ है इसको भी हम लोग ऐड करेंगे, कितना होगा, 1 1 2 2 एंड 5 7।
गया। अब हम लोग आगे करेंगे 100 के प्लेस का 2 एंड 1 3 7 और 3 7 और 3 मतलब 10 होता है तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे 0। अब इसके बाद से कोई नेक्स्ट नंबर है नहीं तो हम लोग इसके बाद में इसको जो 1 बचेगा 10 में उसको हम लोग कैरी करने के लिए दूसरे को देंगे तो इसके आगे तो कोई है ही नहीं तो हम लोग क्या करेंगे ये 1 डायरेक्टली यहां पे राइट कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोग को एडिंग विथ रीग्रुपिंग के क्वेश्चंस करने हैं। आप लोगों ने रीग्रुपिंग के क्वेश्चन प्रीवियस क्लासेस में किए हुए हैं 3 डिजिट्स के 2 डिजिट्स के इसमें आप लोग 4 डिजिट्स के पढ़ रहे हो ठीक है। तो सेम इस तरह से आप लोगों को और भी क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनको आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। इसमें आप लोगों ने अरेंज कर उसको ऐड करना देखिए रीग्रुपिंग के साथ में। अब आप लोग इसको कॉलम वाइज करना सीखोगे
वन। चलिए अब ये तो आपको बहुत ही सिंपल से सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया गया है, और इसके बाद से हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस देखते हैं। आपको टू डिजिट्स के दिए गए हैं यहाँ पे एक एग्जांपल, आपको इसको अरेंज करके भी करना है और एक कॉलम वाइज भी करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉलम वाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग को कैसे करना है, हम लोगों ने पिछले भी देखा है, हम लोग के पास अगर ये डिजिट नहीं रहता, केवल टू डिजिट्स रहते, टू नंबर्स रहते हैं, तो हम लोग कैसे करते थे, ऐसे ही वंस की प्लेस को या एक साथ ऐड करते थे, टेंस की प्लेस को एक साथ ऐड करते थे। वैसे ही सिंपली हम लोग को यहाँ भी करना है। हम लोग के पास यहाँ पे तो थ्री आइडेंस हैं, तो थ्री हम लोग को वंस मिलेंगे, जैसे एट, नाइन और फोर। तो हम लोग जो ऐड करेंगे तो एट और नाइन कितना हो, सेवेंटी, और सेवेंटी के साथ हम लोग फोर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ट्वेंटी वन। तो ट्वेंटी वन में भी, तो ट्वेंटी वन में भी हम लोग को सिर्फ यही प्रोवाइड करना है, टू तो हम लोगों का कैरी है जो हमें दूसरे को देना है। तो हम लोग वन को यहाँ पे राइट करते हैं, और टू हम लोग का क्या है, कैरी है जो हमने दूसरों को दे दिया है। तो हम लोग कहीं किनारे लिख लेंगे और उसको याद रखेंगे। अब हम लोगों को टेंस की प्लेस का देखना है, टेंस की प्लेस पे कौन कौन सा है, टू टू फाइव और टू हम लोग ऐड करेंगे। टू और फाइव को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेवन। सेवन और टू ऐड करेंगे तो नाइन। नाइन के साथ में हम लोगों का यहाँ पे कैरी के लिए दो नंबर्स दिए हुए हैं, टू लिखा हुआ है, तो नाइन और टू कितना होता है, इलेवन। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से आपको थ्री डिजिट्स और फोर डिजिट्स के भी करने हैं। आपको एक फोर डिजिट का एग्जांपल दिया गया है, हम लोग एक और एग्जांपल देते हैं। अब तक आपने सिर्फ वन डिजिट टू डिजिट के देखे हैं, इसी तरह से थ्री डिजिट फोर डिजिट आपको करने हैं, सिंपली आप लोग कर लेंगे। अब हम लोग मिक्स करके करते हैं। अब इसमें आप लोगों को मिक्स दिया हुआ है, इसमें टू डिजिट है, इसमें थ्री डिजिट है, इसमें फोर डिजिट, हम लोग को इसमें कैसे करना है, सेम वैसे ही आपको प्लेस पता होनी चाहिए नंबर्स की, जैसे कि इसकी प्लेस क्या है वंस, इसकी प्लेस क्या है वंस, इसकी प्लेस क्या है वंस। तो हम लोग अब वंस को एक साथ ऐड करेंगे, टू और थ्री, यहाँ पे जो वंस की प्लेस पे थ्री है इसको एक साथ, और फिर अब यहाँ पे वंस की प्लेस क्या है फाइव, तो हम इसको एक साथ ऐड करेंगे। ऐड करेंगे क्या आएगा, टू और थ्री कितना होता है फाइव, और फाइव और कितना होता है टेन। तो टेन को हम लोग क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, और वन हम लोग का कैरी, तो हम लोग यही साइड में लिख लेते हैं। वंस की प्लेस का हो गया, अब हम लोग टेंस की प्लेस लिखेंगे। टेंस की प्लेस में क्या है, टू यहाँ पे और यहाँ पे थ्री, और यहाँ से अब यहाँ पे टेंस की प्लेस क्या है, ये फोर। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं, टू थ्री कितना होता है फाइव, फाइव और फोर कितना होता है नाइन। नाइन के साथ में अब हम लोग का एक कैरी है, तो नाइन के साथ में अगर एक कैरी है जिसमें वन लिखा हुआ, उसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा टेन। तो टेन को वापस हम लोग क्या लिखेंगे, जीरो। तो वापस से हमारा यही कैरी बचा है। अब यहाँ तो हंड्रेड की प्लेस है ही नहीं, तो हम लोग इसको छोड़ देंगे। हमारे पास क्या है, हंड्रेड की प्लेस के लिए यहाँ पे थ्री है, तो इसको, और यहाँ पे 100 की प्लेस के क्या है टू, हम इन दोनों को ऐड करेंगे, थ्री और टू कितना होता है फाइव, फाइव और एक कैरी करने के लिए वन है, तो फाइव में अगर वन हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सिक्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे सिक्स, समझिए आपके ये टू डिजिट के थे। अब इसमें 100,000 है नहीं, हम लोग इसको टच नहीं करेंगे, इसमें हमने 100 देखा है, 1,000 है नहीं, हम लोग टच नहीं करेंगे। अब यहाँ पे फोर, केवल 1,000 की प्लेस पे क्या नंबर है, फोर है, तो हम लोग फोर को क्या करेंगे यहाँ पे
ट्राई करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग उसको अरेंज करके भी देखते हैं अभी तो हमारे उसके नीचे कुछ नहीं रहेगा, तो हम लोग उसको सिंपली लिख लेंगे। 4600 आपका आंसर आ गया। अब इसको हम लोग अरेंज करके एक साथ देखते हैं। अरेंज करने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, सारे केसेस को एक साथ एक जगह पे रखना होगा। रखते हैं 22, 333 हम लोग को लिखना है, तो यहाँ पे वंस की प्लेस के नीचे वंस का प्लेस लिखना है, टेंस के टेंस, और हंड्रेड के हंड्रेड, तो हम लोग ऐसे राइट करते हैं 3, 3 एंड 3। अब 4245 को हमको राइट करना है, वंस की प्लेस पे क्या है 5, टेंस की प्लेस पे क्या है 4, हंड्रेड की प्लेस पे क्या है 2, और थाउजेंड की प्लेस पे वापस से 4। अब हम उसको ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2, 3, 5, 5 एंड 5 10, 10 को 0। अब 1 हमारे पास बचा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कैरी करेंगे। अब इसको ऐड करते हैं 2 एंड 3, 5, 5 एंड 4, 9, 9 के साथ में हम एक कैरी ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा वापस से 10, 10 को 0, वापस हमारा कैरी बचा है, तो हम क्या करेंगे 100 के ऊपर राइट करेंगे, क्योंकि हमें इसी के साथ ऐड करना है। तो 3 और 2 कितना होता है 5, 5 एंड 1 कैरी 6। अब हमारे पास यहाँ पे कैरी करने के लिए कुछ नहीं है और इसके ऊपर भी कोई डिजिट नहीं है, सिंपली सिर्फ 4 है। हम लोग 4 के साथ में जब कुछ ऐड नहीं करना है, हम लोग के पास क्या रहेगा, देखिए आपका सेम आंसर आया हुआ है। इसके बाद से अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, एडिंग 10, 100 एंड 1000। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे एडिंग 10, 100 एंड 1000। इसमें क्या है कि कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है और उसमें सिर्फ अगर आपको 10 ऐड करना है और 100 ऐड करना है या 1000 ऐड करना है, तो आपको सिंपली कैसे कर सकते हैं, एग्जांपल देखिए। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, 246 दिया है, जिसमें आपको 10 ऐड करना है, तो आप लोग जानते हो कि कोई भी डिजिट के साथ में अगर आप 0 ऐड करते हो तो उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, 6 में अगर 0 आप ऐड करोगे तो 6 ही होगा। तो आप सिंपली आप क्या देख सकते हो, इसके लिए ये जो 0 है तो यार ये तो इसके साथ कोई भी नंबर हुआ तो आप इसके साथ ऐड करो कुछ भी कोई भी नंबर, तो क्या होगा वही का वही रहेगा, तो आप इसको छोड़ दो। अभी हम देखते हैं, हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें डिजिट क्या लिखा हुआ है, ये क्या है 1, और ये कौन सी प्लेस पे है टेंस की प्लेस पे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एड्रेस दिया हुआ है, ये जो नंबर डिजिट दिया हुआ है, इसमें हम लोग टेंस की प्लेस लिखेंगे किसकी है। हम लोग ये तो वंस हो गया, ये क्या है आपकी टेंस की प्लेस पे है, तो टेंस पे आपके क्या है 4 है, तो हम लोग डायरेक्टली बाकी किसी को टच नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ इसको देखेंगे, सिर्फ टेंस को हम लोग ऐड करते हैं, तो क्या होगा 4 एंड 1, 5 हो जाएगा। तो जब हम इसको राइट करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 लिख देंगे, और टेंस और टेंस की प्लेस आपस में जोड़ी गई है तो क्या हुआ 4 एंड 1, 5 और 6 का 6 ही लिखो, क्योंकि 6 और 0 जब आप ऐड करोगे तो 6 ही आएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसी तरह से हम लोग 100 के लिए देखते हैं, या फिर टेंस के लिए था, अब आप लोग 100 देखते हैं। आपका एग्जाम्पल देखा है, यहाँ भी आप जैसे 10 के लिए किए हो वैसे ही आप 100 के लिए भी करोगे, सिंपली वंस की प्लेस पे क्या है 0, टेंस की प्लेस पे क्या है 0, 100 की प्लेस पे आपका एक डिजिट दिया हुआ है, वो डिजिट क्या है 1, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग ऐड करेंगे किसी नंबर से, तो उसमें फर्क पड़ेगा, किसी भी नंबर में अगर 1 ऐड कर देते हो तो उसका सक्सेसर हो जाता है। अब वही हम लोग करेंगे, इसमें तो हम लोग को पता है कौन सी प्लेस पे डिजिट दिया हुआ है 100 की प्लेस पे, तो हम लोग इस नंबर में भी क्या लिखेंगे 100 की प्लेस लिखेंगे कि 100 की प्लेस पे क्या नंबर लिखा हुआ है, तो 1, 10, ये 100, हम लोग को 100 मिल गया, 100 पे क्या है 3, तो हम लोग 3 और 1 को एक साथ ऐड करते हैं, बाकी हम ऐसे ही राइट कर देंगे,
लेकिन इसको और इसको हम लोग ऐड करके लिखेंगे। जैसे 2 को हम लोगों ने ऐसे ऐड कर लिया, 3 और 1 हम इसको ऐड करेंगे कितना हुआ 4, और 9 हम लोग ऐसे ऐड कर दो, तो ऐसे आप लोग कर सकते हो। बहुत इजी मेथड है, आप लोग को समझ में आना चाहिए। इसी तरीके से सेम आपको 1000 का भी करना है। इस तरीके से आपको वापस से देखना है कि वंस टेंस और हंड्रेड की प्लेस पे क्या है, जीरो लिखा हुआ था, जीरो लिखा हुआ है। तो थाउजेंड के प्लेस पे आपका वन लिखा हुआ है ना, आपका थाउजेंड की प्लेस पे एक नंबर दिया गया है, तो आप लोग इसमें क्या ढूंढोगे, थाउजेंड की प्लेस नंबर किसकी है, थाउजेंड की प्लेस वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, थाउजेंड आपको मिल गया। अब थाउजेंड और इस थाउजेंड की प्लेस को आप एक साथ ऐड कर दो, 2 एंड 3 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 1 को ऐड करोगे तो आप 3 पाओगे, 2 और 3 1 को ऐड करोगे तो ये 3 हुआ। अब बाकी सारे नंबर्स को आप ऐसे राइट कर दो, बस सिंपली आपका ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों को ये करना है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताए जाएंगे, कुछ पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे जिनके जिनको आपको समझना है। अगर कोई भी नंबर दिया हुआ था उसमें आपको केवल जीरो ऐड करना है, एग्जांपल इसको ऐड करोगे तो किसी भी नंबर पे कुछ भी असर नहीं होता है। 217 मान के आपके पास 217 एप्पल्स, उसमें आप एक भी एप्पल नहीं रखते हो तो वो क्या वही उतने ही रह गए, डायरेक्टली आप इसको 217 राइट कर सकते हो। तो प्रॉपर्टीज का पहला पॉइंट यही है कि जीरो के बारे में, कि अगर आप जीरो किसी भी नंबर में ऐड करते हो तो उससे उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सेकेंड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज का, उसमें क्या है कि एडिंग वन, एडिंग वन क्या होता है, कोई भी नंबर अगर राइट यहाँ पे एडिंग वन में हम लोग सिर्फ वन ऐड कर रहे हैं, अगर हम लोग उसमें वन ऐड करते हैं तो क्या किसी भी नंबर का सक्सेसर हो जाता है। जैसे कि 270 का सक्सेसर क्या होता है, 271। तो इस तरह से प्रॉपर्टी का आपका सेकंड पॉइंट है एडिंग वन, जिसमें आपको कोई भी डिजिट दिया गया है, कोई भी नंबर दिया गया है, उसमें आपको वन ऐड करना है, और वन ऐड करने से आपको किसी भी नंबर का सक्सेसर भी मिलता है। थर्ड पॉइंट आपका क्या है, आपका कोई भी नंबर ऐड करने के लिए, ये प्रॉपर्टी सिर्फ ऐड के लिए होती है कि अगर कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है ऐड करने के लिए तो आप लोग उसको इधर उधर करके भी लिख सकते हो, जैसे एडल्स को इधर उधर कर सकते हो, जैसे 27 है प्लस 35 है ना, तो आप लोग इसको अगर ऐड करते हो 7 और 5 कितना होता है 12 आप लिख सकते हो, बस के कैरी 1 कहीं राइट कर सकते हैं। 2 एंड 3 कितना होता है 5 और एक कैरी 27 प्लस 35 आपने किया तो आंसर क्या है 62। अब अगर हम लोग इसको 35 प्लस 27 करते हैं, 35 प्लस 27, तो भी हम लोग इसको जब ऐड करेंगे तो उसका आंसर वही आएगा 5 और 7 कितना होता है 12 को 2। अब हम लोग कैरी 1 रख देंगे, 3 और 2 कितना होता है 5 1 6। तो थर्ड पॉइंट आप लोग का ये है कि अगर इस तरह से कोई डिजिट दिया हुआ, कोई नंबर दिया हुआ तो आप इसको इधर उधर करके भी लिखते हो तो भी आपका एडिंग जो एडिशन होता है वो सेम आता है। तो आप कोई इसको एक फॉर्म में भी लिख सकते हो, आपको डायरेक्टली इसको 35 प्लस 27 भी कर लिख सकते हो, इस तरीके से इसको राइट कर सकते हो। इसके बाद आप लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ोगे एडिशन, बट एडिशन आप दूसरे
दूसरे मेथड्स पढ़ोगे, अनदर अप्रोच से पढ़ोगे। जैसे कि आपका पहला होगा ब्रेकिंग नंबर्स इन, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे एडिशन। एडिशन हम लोग पढ़ेंगे बट अनदर अप्रोच, हम लोग किसी और मेथड से भी पढ़ेंगे कि एडिशन कैसे करते हैं। तो इसमें हम लोग को दो मेथड बता देंगे। पहला मेथड है एडिंग नंबर्स, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे एडिशन अनदर अप्रोच। एडिशन हम लोगों ने किया है, अब इसको दूसरे मेथड से हम लोग किस किस मेथड से कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो पहला इसमें मेथड है एडिशन बाय ब्रेकिंग नंबर्स यूजिंग प्लेस टेबल। इसमें हम लोग कोई भी नंबर, कोई भी एड्रेस दिए होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए 39 + 45 दिया हुआ। अब इन्हें हम लोगों को प्लेस वैल्यू के हिसाब से तोड़ना है। हम लोग प्लेस वैल्यू निकालना चाहते हो, 39 है उसका प्लेस वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे 39 का प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो पहले तो 40 हो जाएगा, उसके बाद प्लस 9 हो जाएगा, उसके बाद 45 का हम लोग प्लेस वैल्यू निकालते हैं। इस तरह से हम लोग इसका प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इन दोनों को हम लोग ऐसे इन दोनों को ऐड करना है, किस तरह से 30 + 9। पहले हम लोग क्या करेंगे, जो बड़े डिजिट्स बड़े नंबर्स हैं उनको एक साथ ऐड करेंगे, जैसे 30 और + 40 को हम लोग एक साथ ऐड करेंगे। उसके साथ में अब हम लोग क्या करेंगे 9 + 5। अब इसे जब हम लोग ऐड करेंगे तो पहले हम एक इन दोनों को ऐड करते हैं, तो हम लोग 0 और 0 को ऐड करेंगे क्या आएगा 0, 4 और 3 को ऐड करेंगे हम लोग क्या आएगा 7 + 9 + 5। अब इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं 70 + 9 और 5 हम लोग ऐड करते हैं कितना आता है 14। अब इन दोनों को हम लोग को एक साथ ऐड करना है, तो आप लोग सिंपली दो नंबर को एक साथ ऐड करना जानते हो, वैसे ही आपको करना है। 4 और 0 कितना होता है 4, 7 और 1 कितना होता है 8। तो आप इसका आंसर यहाँ पे 84 राइट कर सकते हो। ओके, अब आप लोग लास्ट पॉइंट में सेकेंड मेथड पढ़ोगे एडिंग बाय काउंटिंग इन टेंस। अब आप लोग को जैसे कि एग्जांपल के लिए नंबर्स दिए हुए हैं 27 + 35, तो हम इनमें से किसी का भी कर सकते हैं, हम 35 का करते हैं। इनको 10 के फॉर्म्स में तोड़ना होता है, जैसे कि हम 27 लिखेंगे प्लस 35 को हम 10 10, अगर 3 बार हम लोग इसको 10 के फॉर्म में रखते हैं तो वो क्या होगा 30 10 + 10 + 10। ये तो अभी सिर्फ 30 हुआ, अभी तो 5 बच रहा है, तो हम इसमें 5 इस तरीके से ऐड कर देंगे। तो 35 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 27 को भी हम इसी तरीके के फॉर्म्स में लिख सकते हैं, पर पहले हम लोग 35 को देखते हैं। अब इन दोनों को हमको ऐड करना है, तो हम लोग बारी बारी इसको ऐड करते हैं। पहले हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो क्या होगा 20। हम लोग अभी आप लोगों ने एडिंग 10, 100 और 1000 पढ़ा है, तो आप लोग सिंपली यहाँ देख सकते हो कि 10s की प्लेस पे 1 दिया हुआ और 1s की प्लेस पे 0, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 10s की प्लेस देखो 2 और 1 कितना हुआ 3, 7 आप ऐसे राइट कर सकते हो। ये 10 तो आपका फिनिश हो गया, इसके बाद से हम लोग ये राइट करेंगे +10 + 10 + 5। सेम जैसे आपने यहाँ पे किया है वैसे ही अब इनके यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे भी अब आपको इन दोनों को एक साथ ऐड करना है। फिर से आप यही देखो, जैसे एडिंग आपने 10, 100 और 1000 देखा है, 10 की प्लेस देखो 1 और 3 कितना हुआ 4 और ये 7 ही राइट कर देंगे, हो गया। अब 10 + 5 हम लोग राइट कर देते हैं। अब 47 और 10 को हम लोग ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 और 1 को हम पहले ऐड करेंगे, ये 10 की प्लेस पे है 4 और 1 कितना होता है 5 और 7 यहाँ पे राइट कर देंगे +5। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं, तो 7 और 5 कितना होता है 12 और 1 हम लोगों ने कैरी किया।
फाइव यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ फाइव को राइट करेंगे, बट फाइव के साथ में यहाँ पे कैरी के लिए वन लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऐड करेंगे कितना हो जाएगा सिक्स। ये आपका लॉन्ग मेथड था जिसको अगर आप समझ लेते हैं आप इजिली कर भी सकते हो। तो इसी के साथ में आपका आज का ये चैप्टर एडिशन यहीं पे फिनिश होता है। इस पर फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेसन के साथ में। बाय okay,